जाते हैं, वर्मअप हो जाते हैं, शरीर एक्शन में आता है, क्रियाशील हो जाता है, तो आलस हमारा ये समाप्त हो जाता है और हम सचेत होकर के अपना प्राणायाम और आगे निकलते हैं। इसीलिए हम लोग योगी योगी बनते हैं, इससे शरीर के खिंचाव फैलाव शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, हम लोग अपने अपने अपना खड़े हो जाएंगे। अब जिसकी जो क्षमता है जी उसके अनुसार थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, जो जाएंगे ये पहला पोज है, इसमें लंबी गहरी सांस है, सांस यही कला है। धीरे धीरे इसको पढ़ना। दूसरा शरीर झुकाव नहीं है, शरीर एकदम सीधा रहेगा जी, एकदम बढ़िया जी। आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं जी, इसके बाद संन्यास उठा लेंगे और ऐसा बैठेंगे कि कमर हमारी सीधी रहे, ऐसे झुकना नहीं है। कमर सीधी रहेगी और यही कमर चलेगी जी। इसको कहते हैं तृतीय पूर्णासन, जिसे ये हाथ बह जाएगा तो यही जाएगा बिल्कुल सीधे और हमारी आंख जो है सीधे इस ऊपर वाले हाथ को देखेंगे जी। इसको 10 बार यह जगह आ जाइए। नहीं, एक कारण उपाय में भोजन में डाल रहे हैं।